रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी क्या है अमित जी से पूछते हैं। अमित जी जी, आज हम क्या बना रहे हैं? भुनी हुई सेवइयां। ये अम्मी भुनी हुई सेवइयां बहुत ही मज़ेदार ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने क्या लिया है, हमने सेवइयों को अच्छे से साफ़ कर लिया है, एक पैकेट लिया है सेवइयों का, और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको रेसिपी के साथ साथ बताती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने आधा कप घी लिया है। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें चार इलायची डालेंगे। दो मिनट तक हमने हरी इलायची को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें सेवइयां डालेंगे। लो फ्लेम पर हम सेवइयों को अच्छे से भून लेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। हमने सेवइयों को अच्छे से भून लिया है, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है माशाल्लाह। अब हम इसमें 1/4 कप मिल्क ऐड करेंगे। अब दूध खुश्क होने तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे। माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और ये डन है, दूध भी अच्छे से सूख चुका है। अब हम शीरा रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने सेवइयां अच्छे से भून कर निकाल ली हैं। अब हमने 1 कप एंड 1/4 कप पानी लिया है। इसमें हम 3/4 कप शुगर ऐड करेंगे और शुगर को डिज़ोल्व होने तक अच्छे से पका लेंगे। शुगर डिज़ोल्व हो गई है, इसके बाद भी हम 2 से 3 मिनट तक इसे पका लेंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। 2 से 3 मिनट तक हमने इसे कुक कर लिया है। अब हम इसमें भुनी हुई सेवइयां ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसे कुक कर लेंगे। हमने मीडियम लो फ्लेम पर इसे कुक कर लिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे और 3 से 4 मिनट फिर कुक करेंगे और उसके बाद ये डन है, आपको सर्व करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार भुनी हुई सेवइयां तैयार हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना नहीं भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।